पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गौचर से कर्णप्रयाग की ओर आ रही कार गिरी खाई में, एक युवक घायल। युवक पर लगा नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, जांच जुटी रुड़की पुलिस। किच्छा में क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी के कार्यालय से चोरों ने उड़ाया लैपटॉप। उत्तराखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय विधायक उमेश कुमार के आह्वान पर कल भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ एक ऐसी पहल की गई थी जिसे अभी तक उत्तराखंड का कोई भी विधायक नहीं चला पाया है। उमेश कुमार के आह्वान पर भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ नारसन बॉर्डर से एक विशाल जन समूह रैली का आयोजन किया गया। लंडोरा कार्यक्रम में पहुंचकर उमेश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से है। मैंने तो अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली का आह्वान किया था, ये तो मेरे लोग तय करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं तो निर्दलीय विधायक हूँ, जनता का विधायक हूँ, जनता तय करेगी मुझे क्या करना है। अगर ये कहेंगे सांसद लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। आपने मेरा ये कहना है कि मेरी जनता मुझसे जवाब मांगे, मुझसे कोई नेता जवाब मांगने का हकदार नहीं है। मुझसे मेरी जनता पूछे कि काम हुए नहीं हुए, उनको सब पता है कि कितने काम हो रहे हैं क्षेत्र में, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 2024 के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? आप मैं तैयार नहीं हूं, मेरी जनता तैयार है। अगर इन्हें तय करना, आज आप क्या आपने हरिद्वार के इतिहास में कभी किसी निर्दलीय विधायक की या उत्तराखंड में ऐसी रैली देखी थी? नारसन से लेके यहाँ तक कई हजार वाहन सड़कों पर थे। तो ये लोगों का प्यार है और ये एक निर्दलीय विपक्ष है। अगर निर्दलीय विपक्ष चाहता है कि उनका जनता का विधायक जो विधायक है वो चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर नंदा सेन में चार दिवसीय पर्यावरण संवर्धन पर्यटन और विकास मेले का रंगारंग आगाज हुआ। जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने रिबन काट कर मेले का उद्घाटन किया। मेले के पहले दिन विभिन्न विद्यालयों और महिला मंगल दलों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। ये मेला यहाँ पर वर्ष 1999 में जब बांझ और बांसी जंगल के बीच वन विभाग द्वारा जबरदस्ती चीड़ के पौधा का रोपण किया जा रहा था, उसका विरोध करने के एवज में इस मेले ने जन्म लिया, जो कि प्रथम बार वर्ष 1999 में यहां पर आयोजित किया गया और ये हमारा 21वां आयोजन है। 3 बार बीच में यह मेला यहां पर आयोजित नहीं हो पाया, जिसमें एक बार वर्ष 2013 की केदारनाथ की देवी आपदा और वर्ष 2020-21 की कोरोना महामारी, उसके कारण यहां पर मेला आयोजित नहीं हो पाया। 2020-21 के बाद यह मेला यहां पर अपने 21वें आयोजन में प्रवेश करने जा रहा है, जिसका आज शुभारम्भ माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी ने किया। और इस मेले में एक तरफ जहां हम विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा को उभारने का काम करते हैं, वहीं स्थानीय महिला मंगल द्वारा या स्वयं सहायता समूह द्वारा जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके द्वारा यहां पर बनाकर लाए जाते हैं, उनको भी बिक्री कर बढ़ावा देने का हम काम करने की हम कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में भी जिला प्रशासन की ओर से स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हरिद्वार में बहुत उत्सव के साथ, उल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित उनकी पूरी टीम, जनप्रतिनिधिगण और युवा छात्र, सभी लोग जिस तरीके से उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस का ये उत्सव मना रहे हैं, मैं प्रदेश की जनता को और हरिद्वार की जनता को विशेष बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस 22 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत आगे प्रगति की है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गिरिताल रोड स्थित भाजपा कार्यकर्ता दीपक मेहता के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हुए हैं। इस निमित्त पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, एक तरफ पार्टी संगठन के द्वारा राज्य स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। तमाम
उन शहीदों को, आंदोलनकारियों को हम याद करते हैं और राज्य की प्रगति का संकल्प लेते हैं कि राज्य को कैसे हम और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम विषयों पर आज पूरे प्रदेश में गोष्ठियां हो रही हैं। राज्य के प्रति राज्यवासियों के कमिटमेंट्स होने चाहिए। कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी जोन में पर्यटन को लेकर बने गए नियमों के खिलाफ जिप्सी चालकों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में डीएफओ का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने डीएफओ को भंडार पानी तक जिप्सियों को जाने की अनुमति देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, जो सीतावनी जोन है उस पर वर्तमान डीएफओ रामनगर डिवीजन द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया गया है सिर्फ जिप्सियों पे। उसी सिलसिले में मैं जिप्सी चालकों और ऑपरेटरों के साथ उनसे वार्ता करने गए थे। सीतावनी रोड पर जाकर के टूरिस्टों को माल आते थे और उसको जैव विविधता तो दिखाई लाते थे, जानवर अगर कम भी दिखा तो जो पेड़ हैं, हमारा फ्लोरा एंड फौना है, विभिन्न किस्म की जो हमारी जैव विविधता उसको दिखा लाते थे। और अब वर्तमान में कह रहे हैं कि उसमें भी हम गाड़ियाँ नहीं जाने देंगे जिप्सियों को सिर्फ। आज मैंने पूछा भाई क्यों नहीं जाने दोगे, क्यों रोक रहे हो? बोले जो है इको सेंसिटिव जोन की वजह से। मैंने कहा आपका इको सेंसिटिव जोन जो है उसका इको सिस्टम प्रभावित अगर होगा तो नंबर ऑफ पर्सन से होगा। जब जो हमारा रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत सीतावनी पर्यटन जोन है तो उसमें अभी जो प्रवेश होता है जिप्सी वाहनों का वो टेढ़ा गेट से और पवलगढ़ गेट से होता है। इसमें कुछ जिप्सी वाहन स्वामी थे, वो आए थे, उनकी मांग थी कि टेढ़ा गेट से जो भंडार पानी तक की सड़क है उस पर और भी वाहनों को अलाउ किया जाए एंट्री। तो उसके लिए उनका जो प्रत्यावेदन आया है उसको उच्च स्तर को भेजा जाएगा और उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको। मसूरी में कांग्रेस महिला द्वारा मसूरी के दूधली गांव में महिलाओं के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मसूरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसवीर कौर द्वारा महिलाओं को पुष्पगुच्छ और सॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है और राज्य आंदोलन में भी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस राज्य को बने हुए 22 वर्ष हो गए, परंतु 22 वर्षों में जो विकास होना था वो पूर्णता नहीं हो पाया। आज इस अवसर पर मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर महिलाओं को मिष्ठान वितरण किया व शॉल भेंट की और कुछ अन्य भेंट भी की, परंतु यही कहना चाहूँगी कि अभी जिस प्रकार से हमारे राज्य का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि उस क्षेत्र में अभी भी सड़कों का बुरा हाल है, बिजली की कमी है, पानी की समस्या है। जहां एक और पूर्व उत्तराखंड ने कल राज्य स्थापना दिवस मनाया, वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि जिस पृथक राज्य के लिए उन्होंने आंदोलन किया है पहाड़ की बहन बेटियों ने अपनी जान गंवाई। पृथक उत्तराखंड जिस मंशा से आंदोलन लड़ा गया था, जो उस समय उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडवानी जी का सपना था, जिस दहलीज से और जिस गांव से जन्म उन्होंने लिया और उस विकास की सोच कर ये आंदोलन खड़ा किया और उसमें फतेह भी हासिल किया, वो सत्ता नहीं भोग पाए उसका भी उन्होंने विरोध किया। मैं इस बात के लिए उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इंद्रमणि बडवानी जी को और उन तमाम शहीदों को जिन्होंने हमारे साथ आंदोलन लड़ करके आज शहीद हो गए हैं। और जिस मंशा से लड़ा वो विकास की जो गुहार प्रदेश से और देश से चल रही है वो गांव तक में सच में नहीं पहुंच पा रही है पूर्ण रूप से, क्यों? इसमें वो भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं भेंट चढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस समय उत्तराखंड 22वां वर्ष उसको हो गया है, 22 वर्ष शुरू हो गए हैं और 22 वर्ष का उत्तराखंड जिस मंशा से बनाया गया था वो थी कि हमारा जल, जमीन और जंगल, यहाँ की जवानी और पानी व्यर्थ न जाए। देखिए, इसमें युवा वर्ग तो निश्चित रूप से बहुत निराश और हताश है। जिस तरह से चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सरकारों ने यहाँ उत्तराखंड के विशेषकर युवाओं के साथ किया है। महिला अंकिता भंडारी का ले लीजिए, जगदीश चंद का ले लीजिए, अभी जो लगातार इस तरह की घटनाएं हुई, इसमें तो निश्चित रूप से जो उस समय कि हम भी युवा थे तो हमने जो देखे थे सपने वो निश्चित रूप से धराशायी हुए, कहीं भी आगे नहीं बढ़े। कुछ मामलों में उत्तराखंड हो सकता है आगे बढ़ा हो, लेकिन जो बेरोजगारी और पलायन और इस पर तो लगातार पीछे ही गया। और अभी अंकिता और अन्य जो घटनाएं हुई और जो कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे तो हमें
उत्तराखंड से, और आरक्षण भी उन्होंने समाप्त किया है, शायद अब कर रहे हैं, लेकिन तो निराश है। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर नगर मंडल चिना रिसोर्ट के फील्ड हॉस्टल में नगर मंडल अध्यक्ष विजय बडोनी की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें चिना रिसोर्ट मंडल के सम्मानित उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित कर मिष्ठान वितरण किया गया। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर एक होटल के सभागार में रखे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मसूरी के शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के बलिदान को भी याद किया गया। हमने जो है जो हमारे आंदोलनकर्त जो जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया वो सभी लोग यहाँ पर थे, और जो शहीद परिवार के कुछ लोग यहाँ पे थे उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्हीं लोगों की योगदान से आज जो है उत्तराखंड राज्य हमें मिला है। इस समय हमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने थे और 26 दलों की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने उत्तराखंड राज्य दिया, और यही नहीं जो पैकेज दिया जिससे कि आज जो है अनेकों नीतियाँ उस समय बनी थी, भले वो 2010 में वापस ले ली गई थी लेकिन फिर आंदोलन हुआ, फिर 2013 में दोबारा आई, तो हम आज जो है सभी पहले तो सभी जो उत्तराखंड के शहीद उनको भी नमन करते हैं, जो आंदोलनकारी हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित करने का काम किया, और इसी तर्ज में जो है मंडल द्वारा यहाँ पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। उत्तरकाशी जिले के नगर पंचायत पुरोला में उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जनपद के 300 से अधिक राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई दूंगा, ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। आज मुझे इस स्थापना दिवस के अवसर पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान करने का जो अवसर प्राप्त हुआ उसमें मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला, और साथ ही आज नगर पंचायत पुरोला ने इस शुभ अवसर पर जिस दिन हमें उत्तराखंड की प्राप्ति हुई उस दिन जो है आज नगर पंचायत पुरोला का जो नवनिर्मित कार्यालय है उसका उद्घाटन करने का उनका लोकार्पण का कार्यक्रम भी रहा, जिसको जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है और आम जनमानस को उसका फायदा होगा। ये भविष्य के लिए आम जनमानस को अपनी जो छोटी बोटी समस्याएं होती है उनके निजात के लिए आसानी से हर पटल को आसानी से वो प्राप्त। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।